हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका लैपटॉप अगर हीट होने की वजह से बंद हो रहा है और अगर ये एरर दे रहा है तो आप इसको किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप है, वो है 5410 लैटिट्यूड 5410 डेल का एक लैपटॉप है मेरे पास। तो यहाँ पे जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर सिस्टम ऑटोमेटिकली पावर ऑफ बिकॉज इट बिकम वार्मर देन एक्सपेक्टेड। This may be have any cases operating storing the system in environment where ambient temperature is too high। तो इस तरह का बहुत बड़ा लिखा हुआ एक एरर आ रहा है मेरे पास, जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप कुछ ही सेकंड के अंदर बंद हो जा रहा है। मैं उसको बार बार ओपन कर रहा हूँ, वो बार बार बंद हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ अभी लैपटॉप ओपन किया था और आपके सामने ये दोबारा बंद हो गया है। तो मैं आपको एक बार वापस ओपन करके दिखाऊंगा और ये देखना फिर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, बिल्कुल मेरा जो चार्जर है वो मैंने लगा रखा है। ऐसा नहीं है कि बैटरी की प्रॉब्लम की वजह से बंद हो रहा है। यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है, करता हुआ दिखाई दे देता, रेड बटन आ जाता अगर यहाँ पे, अगर ये बैटरी डिस्चार्ज होती तो रेड आइकन शो करता। लेकिन यहाँ पे बैटरी हमारी डाउन नहीं है लैपटॉप की, बट यहाँ पे हमारा जो लैपटॉप है वो हाई है। तो इससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका जो लैपटॉप है उसको इस तरीके से खोलना है जहाँ पे, अगर आपके पास यही लैपटॉप है लैटिट्यूड 6410 तो इसको आप इस तरह से खोल सकते हैं। पीछे की साइड इसका एक स्क्रू, उसको निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह की जो प्रोसेसर है और आपको यहाँ पे एक तांबे की छड़ दिख जाएगी और उसके नीचे आपका जो प्रोसेसर लगा हुआ है और यहाँ पे आपको एक फ़ैन लगा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको निकालना है, यहाँ पे इस चीज़ को आपको निकालना होगा। यहाँ पे आपको चार स्क्रू दिख जाएंगे, तो चारों स्क्रू को वन बाय वन करके आपको खोलना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हाथ से मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से मैं स्क्रू से खोलूँगा, बिकॉज़ अगर यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब होता है तो दोस्तों आप इसको एडजस्ट कर लेना, बिकॉज़ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये वीडियो मैंने बनाया है, ये मैंने अपने ऑफिस में ही शूट किया है, बिकॉज़ यहाँ पे जब ये प्रॉब्लम आई थी तो मैंने सोचा इसको यहीं शूट करके आपको वीडियो बना के दे दूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे फ़ैन निकालना होगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे फ़ैन का लॉक होता है जो चार पिन वाला होता है, इसको आपको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे आप इसको पिन से बाहर निकाल लीजिए और दोनों तरफ के जो स्क्रू हैं वो आप निकाल लीजिए। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है, अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको साइड में रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसेसर के जो चार स्क्रू दिख जाएंगे उनको आपको इजीली खोल लेना है वन बाय वन। आपको एक चीज़ बता दूँ, पूरा जो प्रोसेसर का है वो पूरा स्क्रू आपको एक साथ नहीं खोलना है, स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा खोलना है चारों, बिकॉज इसमें क्या होता है प्रोसेसर के बारीक बारीक पॉइंट होते हैं, तो कहीं लैपटॉप में पॉइंट होते हैं कहीं में नहीं होते, तो उसकी वजह से डैमेज हो सकता है। तो आप अगर खोल रहे हैं इसको तो ध्यान से खोलें, ज़्यादा ताकत लगा के ना खोलें, धीरे धीरे आराम से खोलें, किसी तरह की कोई जल्दी ना करें इसको खोलने के लिए। तो यहाँ पे आपको चारों स्क्रू वन बाय वन करके खोल लेने। तो यहाँ पे पहले मैंने लूज़ कर दिए हैं वन बाय वन चारों स्क्रूओं को और उसके बाद मैं इसको निकाल के देखूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको चारों को लूज़ कर दिया है। उसके बाद आप इसको उठा लीजिए इजीली। यहाँ पे आपका जो फ़ैन के पास यहाँ पे एक जाली लगी हुई होती है, उसको इजीली बाहर निकाल के हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये प्रोसेसर है हमारा, तो ये काफ़ी जो पेस्ट इसका काफ़ी फैल गया है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे जो पेस्ट इसका काफ़ी फैला हुआ है और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये लगा हुआ था यहाँ पे इसके ऊपर प्रोसेसर को पेस्ट के ऊपर ये लगा हुआ था तांबे की छड़ जैसा ये, तो यहाँ पे इस पर काफ़ी डस्टिंग हो रही है और ये पेस्टिंग हो रही है और यहाँ पे ये पेस्टिंग सूख चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो लैपटॉप है उसमें काफ़ी डस्ट हो रखी है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जो ये प्रोसेसर पे जो पेस्ट लगा हुआ है ये भी सूख गया है और यहाँ पे इसके नीचे काफ़ी डस्ट हो रही है जाली की तरफ, तो हमें क्लीन करना है, अच्छे से इसको साफ़ करना है और फिर दोबारा हम इसमें रीपेस्टिंग करेंगे। और वो कैसे करना है इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे आपको एक कॉटन लेनी होगी और अगर आपके पास पीसीबी क्लीनर है, बोर्ड साफ़ करने का एक लिक्विड आता है जिसको पीसीबी क्लीनर कहते हैं, तो उससे भी आप साफ़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाल लें थोड़ा सा, या पेट्रोल का कहीं से ले लें और फिर इसको पेट्रोल से साफ़ कर सकते हैं। पेट्रोल से काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है, और पेट्रोल से साफ़ नहीं होता है अगर कॉटन से अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होता पेट्रोल लगाने पर, तो आप क्या करें, ब्रश ले लें, दांत मांजने का आपके पास ब्रश होगा
उस ब्रश से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कॉटन हम या कुछ लगाने पर यहाँ पे जो आईसी है उसमें वो धागा पकड़ लेता है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक ब्रश ले लें, ब्रश को अच्छे से पेट्रोल में भिगो के उस पर अच्छे से साफ़ करें। जिस तरीके से हम दांत मांजते हैं उसी तरीके से आपको इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से साफ़ करना है, ताकि क्या होगा कि जहाँ भी सूखी पेस्टिंग लगी होगी उसको हम हटानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखिए जो इसका एक कवर था जिसके ऊपर प्रोसेसर लगा हुआ था, इसको आपको साफ़ करना है। ये जो पेस्टिंग है ये सूखी हुई है, तो इसको अच्छे से एक बार में साफ़ नहीं होगी, आपको रगड़ रगड़ के इसको आपको अच्छे से काफ़ी दम लगा के अलग से साफ़ करनी होगी। तो यहाँ पे हमें इसको साफ़ कर रहे हैं, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है दोस्तों और दूसरे हाथ से मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं किस तरीके से कर पा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं इसको एक हाथ से इसको साफ़ कर रहा हूँ, और ये जो चीज़ है वो अच्छे से साफ़ नहीं होगी। आप इस पर मैं कहूँगा कि इस पर पेट्रोल लगा के अच्छे से रगड़ के आप इसको साफ़ करेंगे, तो आपको ये वाइट वाइट है ना, ये मिट जाएगा। और जो इसमें तांबे का, ये जो तांबे का है कलर दिख रहा है आपको, ये तांबा ही है, ये तांबे का आपको उभरा हुआ साफ साफ नज़र आना चाहिए, तब जाके आप समझ सकते हैं कि साफ़ हो गया। इस तरह का आपको दिखने लग जाएगा साफ़ होने के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास प्रोसेसर पेस्ट होना चाहिए इस तरीके से, जिसे थर्मल पेस्ट भी कहते हैं, उसको आपको प्रोसेसर पर लगाना है। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर अगर आपके पास प्रोसेसर इस टाइप की डब्बी में है तो उसको आप अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें, ताकि वो सूखा हुआ और जो गीला पेस्ट है वो दोनों मिक्सअप हो के आप उसको अच्छे तरीके से प्रोसेसर पर लगा दें। प्रोसेसर पे काफ़ी अच्छे तरीके से लगाएं, फैला हुआ नहीं लगना चाहिए, ताकि अगर फैला हुआ नहीं होगा तो वो सही प्रॉपर ऑटोमेटिक फैल जाएगा। जब आप इस हेड को इस प्रोसेसर के ऊपर लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक इसको बराबर सेट कर देगा। आपको इसमें फैलाना नहीं है, आपको जब एज इट इज़ प्रोसेसर के ऊपर रख देना है पेस्ट को और अच्छे से लगा देना है। उस पर आपको पुश करके उसको दबाना नहीं है प्रोसेसर को, आप अच्छे से इसको लगा सकते हैं। उसके बाद ये लगाने के बाद आप उसको वापस जब भी वो बंद कर लें और उसको रख दें, नहीं तो वो पेस्ट सूख जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, यहाँ पे प्रोसेसर पे पेस्ट लगाने के बाद आपको यहाँ पे इसके पास एक प्रोसेसर टाइप का एक और दिख रहा होगा, उस पर भी आपको पेस्ट लगाना है। ये अधिकतर लैपटॉप में देखने को मिलेगा आपको, ये इसको हम एज ए प्रोसेसर ही मान सकते हैं, ये प्रोसेसर नहीं होता है लेकिन इसको हम प्रोसेसर ही मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस पे भी आप इसको पेस्ट लगाना है। अगर आप इस पे लगाते हैं और उस पे नहीं लगाते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको दोनों पे पेस्ट लगाना होगा। वापस आपको इस डब्बी को खोलना है और यहाँ पे आपको जो पेस्ट की इस टाइप की आपको डब्बी मिल जाती है, तो मेरे पास ये प्रोसेसर पेस्ट पड़ा हुआ जो आता है, 12 ग्राम की एक डब्बी आती है, 50 रुपये के अंदर आपको मिल जाती है मार्केट के अंदर। तो आपको इस तरीके से आपको वापस पेस्ट निकालना है और यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है इस पे, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको अच्छे से। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लगा देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको पेस्ट लगा दिया है, ये गीला पेस्ट है इसलिए बार बार मैं जिससे लगा रहा हूँ ये उस पर काफ़ी चिपक रहा है। तो आपको अच्छे से तरीके से जो आईसीज वगैरह पे नहीं चला जाए तो आपको उठा के अच्छे से इस पर लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो हेड था इसका जिसके ऊपर प्रोसेसर के ऊपर जैसे लगा हुआ था 4 स्क्रू वाला, वापस एज इट इज़ आपको उस पर उठा के लगा देना। एक चीज़ मैं बता दूँ, और जो जाली होती है जहाँ पे फ़ैन लगा हुआ होता है वहाँ पे भी आप साफ़ कर लें, बिकॉज़ वहाँ पे लैपटॉप काफ़ी टाइम बाद खुलता है, बिकॉज़ डेल के लैपटॉप बहुत अच्छे आते हैं, क्वालिटी की बिल्ड होती है। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी टाइम बाद खुलते हैं, तो यहाँ पे को बहुत सारा कचरा और जाली जम जाते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से ब्रश से या पेट्रोल से साफ़ करके साफ़ कर लें। मैंने ऑलरेडी साफ़ कर लिया है, तो मेरे को क्या है कि वीडियो कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं एक हाथ से उस जाली को साफ़ नहीं कर रहा था, मैंने वीडियो पुश करके उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, ताकि मैं आपको वीडियो में अलग से बता रहा हूँ कि आप भी उसको अगर उसमें जाले वाले लगे हुए हैं, डस्ट लगी हुई, तो आप उसको साफ़ कर लें। उसके बाद आप इसको वापस एज इट इज़ रख दें और 4 स्क्रू उसको 1x1 करके कस दें। तो यहाँ पर आपको पहले जाली लगानी है, फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से स्क्रू सेट करने हैं। जब आपको लगे कि भैया प्रॉपर ये सेट हो गया है जिस तरीके से हमने निकाला था, तब आप इसको 1x1 स्क्रू कस दें। तो फटाफट से हम यहाँ पे स्क्रू कस देते हैं यहाँ पे। तो आपको स्क्रू पूरे फिक्स करने, ज़्यादा टाइट भी नहीं करने हैं कि भैया बहुत टाइट कर दें, ताकि हमारी जो स्क्रीन है वो डैमेज नहीं हो जाए या बोर्ड डैमेज नहीं हो जाए। जिस तरीके से अगर आपको लगता है कि भैया आप टाइट हो गए हैं फिक्स, तो उतना ही टाइट करें, ज़्यादा टाइट करने की कोशिश ना करें और ना ही लूज़ रखें इसको। अगर आप लूज़ रखेंगे तो आपका जो सिस्टम है, लैपटॉप है, वो बार बार रिबूट होगा थोड़ी थोड़ी देर में,
और हीटिंग का इशू भी आ जाए तो आपको जो जितना ये टाइट था उतना ही टाइट करें, ज़्यादा टाइट ना करें इसको, एज अ जितना स्क्रू घूम रहा है उतना ही इसको टाइट करें, ज़्यादा टाइट ना करें और ज़्यादा ढीला भी ना रखें। तो मैंने चारों स्क्रू यहाँ पे अच्छे से टाइट कर दिए हैं, एक बार आप चेक भी कर लें कि भैया चारों स्क्रू अच्छे से टाइट हैं या नहीं। और यहाँ पे मैंने टाइट कर दिया है स्क्रू। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमने इसको तो लगा दिया है, ये हमारे पास था जो पुराना फ़ैन था, यहाँ पे काफ़ी डस्टिंग हो रखी थी तो ये फ़ैन जाम भी हो गया है। जिस तरीके से देखिए मैं इस नए फ़ैन को हिला रहा हूँ तो ये हिल रहा है, लेकिन जो पुराना फ़ैन है इसको मैं हिला रहा हूँ तो इसके जो अंदर का फ़ैन है वो नहीं हिल रहा। तो यहाँ पे देखिए इसको हिलाने पे ये नहीं हिल रहा है, ये देखिए। अब मैं इसको हिलाता हूँ तो देखिए ये हिल रहा है, ये देखिए ये हिल रहा है। तो इस तरीके से अगर आपका जो फ़ैन है वो नहीं हिल रहा है, आपका पुराना फ़ैन है उसको अगर आप साफ़ करते हैं, डस्ट निकालते हैं, फिर भी वो नहीं हिल पा रहा है इस तरीके से हिलाने पर, और तो आप समझ लीजिए जो आपका फ़ैन है वो ख़त्म हो गया है, आपको नया फ़ैन ख़रीद के लगाना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास, मैंने नया फ़ैन परचेस कर लिया था। इसका जो भी फ़ैन आते हैं वो मॉडल वाइज ही आते हैं, आपको एज ए मॉडल वाइज ही मंगाना है। दूसरे अगर आप कंफर्टेबल फ़ैन लगाते हैं तो आपका जो लैपटॉप है वो अच्छे तरीके से उस फ़ैन को सपोर्ट नहीं करेगा और जो प्रॉब्लम है वो रेगुलर रहेगी। तो आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं तो ओरिजिनल और वैसा का वैसा ही फ़ैन मंगाएं, बिकॉज उससे ये होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपका जो फ़ैन है वो अच्छे तरीके से काम करेगा और आपके जो लैपटॉप उसको सपोर्ट भी करेगा। तो यहाँ पे आपको इस पे फ़ैन ले लेना है, और जैसे कि आप नए फ़ैन को घुमाएंगे ना हाथ से तो देखो वो हाथ लगाते घूमेगा इस तरीके से, जो कि पुराना फ़ैन नहीं घूम रहा था, वो जाम हो गया था तो वो ख़राब हो गया है, तो उसको हमने रख दिया है साइड में। यहाँ पे आपको उसको उल्टा करके लगाना है, सीधा नहीं लगाना, सीधा लगाने की कोशिश करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आगे की तरफ पुश करना है जहाँ पे इसके कट फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे इस तरीके लगाने के बाद आपको इसमें स्क्रू लगा देने हैं और जहाँ पे इसकी जो चार पिंस लगी हुई थी वहाँ पे इसको कनेक्टर को कनेक्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं आप एक स्क्रू कस देता हूँ, बिकॉज इस लैपटॉप में एक ही स्क्रू लगा हुआ था तो यहाँ पे मैं इसमें एक स्क्रू कर दूंगा। ये इसका कनेक्टर है चार पिन वाला, और इसी चार पिन वाले कनेक्टर को मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अच्छे से लगाना होगा, अगर आपका हाथ से नहीं लग पा रहा है तो पेचकस की सहायता से आप इसको अटका दीजिए, फिर उसको पुश करें पेचकस की सहायता से तो ये अंदर फिट हो जाएगा इस तरीके से, अच्छे से ये फिट हो जाएगा। इससे ये होगा कि वो उसकी चारों पिन है वो अंदर फिट हो जाएगी, और वायर को आप अंदर से मोड़ सकते हैं, अंदर डाल दीजिए इसको मोड़ के, ताकि लैपटॉप में कटवट या वजन से कट नहीं लगे। तो इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं, और ये स्क्रू आप एक स्क्रू अटका दीजिए इसमें, बिकॉज मेरे पास एक ही स्क्रू लगा हुआ था इस लैपटॉप के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक ही स्क्रू लगा के काम छोड़ देता हूँ। उससे स्क्रू से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा जो फ़ैन है वो एक ही स्क्रू से फिट हो जाएगा और यहाँ पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने स्क्रू लगा दिया है, तो यहाँ पे ये स्क्रू मैंने फिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसका जो पीछे का कवर था वो लगा दूंगा, उसमें भी एक स्क्रू लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना मुझे। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रू है वो उसमें लगा के उसको फिट कर दूंगा। तो इस तरीके से आप अपना फ़ैन और उसकी डस्ट वगैरह क्लीन कर सकते हैं पीछे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी की वजह से हमारा जो लैपटॉप की स्पीड है वो डाउन हो जाती है। कई बार हम सोचते भी हैं कि भाई हमने नया लिया था तब बहुत अच्छा काम करता था, पुराना होने के बाद इतना काम नहीं करता। तो इसका यही कारण है मेजर, इसकी वजह से ये हीटिंग होने लग जाता है, हैंग होने लग जाता है। तो यहाँ पे हमने इसका काम कर दिया है। अब मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है इसको वापस, और ये मेरे इंटरनेट की केबल है तो मैं इसको भी कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम लैपटॉप को वापस घुमाएंगे और अब ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे इसका आगे की तरफ लॉक आता है तो आप ध्यान से खोलें उसको, लॉक को अंदर की तरफ पुश करना होगा तभी जो ये लैपटॉप है ओपन होगा। तो यहाँ पे ये लॉक है, मैं इसको दबाऊंगा तब ये खुलेगा। तो ये मैंने इसको पुश किया, अब ये लैपटॉप खुल गया है। तो इस तरीके से आप ओपन करना है, आपको पावर बटन ओपन करना है। तो आप एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जब पहले हम पावर की को दबा रहे थे तो अब एक एरर आ रही थी और हमारा लैपटॉप बंद हो जा रहा था। तो अब देखते हैं वो एरर आती है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा लैपटॉप बूट होना स्टार्ट हो गया है, लैपटॉप ने बूट अप ले लिया है और यहाँ पे डेल का लोगो आ गया है। अब देखते हैं भैया एरर आई या नहीं आई, एरर आई या नहीं आई। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं एरर का, एरर आती है नहीं। तो यहाँ पे लेट स्टार्ट नॉर्मली, तो यहाँ पे हमारा लैपटॉप है जो नॉर्मली स्टार्ट हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है, जो हमने प्रोसेस किया है वो
100% डन हो गया है, हमारे लैपटॉप में वो एरर अब ख़त्म हो चुकी है। अगर आपके लैपटॉप में इस तरह की एरर आती है तो आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, बिकॉज इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक हाथ से मोबाइल को पकड़ रहा था और इस वीडियो को शूट कर रहा था, उसके बाद मैं इस लैपटॉप को काम कर रहा था, तो इसकी प्रॉब्लम भी सोल्व आउट हो गई है। अगर इस तरह की वीडियो आपको देखना पसंद है तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनके लिए भी ये वीडियो काम आ सके। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।